सामने क्यों मेरा नाम उमर है और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बेबी कॉट उमर ठीक शॉप का शॉप का नाम है आई इसका एड्रेस है सेवन, सेंटर, वलायत कॉम्प्लेक्स नंबर है जीरो ट्रिपल एट अच्छा तो आज हमें क्या हैं मैं आज दिखाऊंगा बेबी कॉट्स आपको और स्टॉलर्स ये इम्पोर्टेड हैं और सब इम्पोर्टेंट हैं कोई भी लोकल नहीं है यहाँ पे और मुखलफ मुल्कों से हमने इम्पोर्ट किया हुआ है तो सबसे पहले कौन सी सबसे पहले ये दिखाऊंगा। ये आ, स्ली, स्ली मॉडल है इसका और आ, फोर हाइट एडजस्टमेंट में आता है ये ओक वुड है आ, ये बेसिकली चाइनीज है लेकिन जो यूरोप के लिए वो कॉट डिज़ाइन करते हैं इन बेस्ट क्वालिटी और इसके साथ मेट्रस है जो कि अलग से होता है इसके अंदर इंक्लूड नहीं है और साथ ही इसके अंदर ये नीचे ड्रॉर है जी इसकी ये एक साइड जो है ये स्लाइड हो जाती है और बेड भी बन जाता है दोनों साइड मूव करें आप तो ये बेड बन जाएगा पाँच साल तक का बचा यह यूज़ कर सकते सकता है जी ये वुडन है ये ओक वुड है यूरोपियन वुड है बेसिकली ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है और ये इसको दीमक नहीं लगती इस लकड़ी को और ये फूलती नहीं है इसको गीले कपड़े से साफ कर सकते हैं आप और पानी लगे तो बिल्कुल फूल, फूलती नहीं है ये मतलब ये ये छोटा बच्चा जो है वो बिल्कुल केमिकल केमिकल फ्री होता है बच्चा अगर जुबान भी मारे इसको तो कुछ उसको असर नहीं करता तो ये इसके ऊपर टीथिंग रेल लगी हुई है कि इसके ऊपर दांत मारे तो डायरेक्ट जो वुड है उससे कांटेक्ट ना हो उसका दांतों का न्यू बॉर्न के लिए क्योंकि जी तो ये फिर अब इसकी प्राइस क्या है थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड बत्तीस हजार पाँच सौ जी और इसको जो है ऑर्डर करना हो तो? ऑर्डर करने के लिए हमारा ऑनलाइन फेसबुक पेज है पूरे पाकिस्तान में हम डिलीवर भी करते हैं जो नॉर्मली लाहौर पिशावर में एक दिन के बाद डिलीवर हो जाता है ऑर्डर जिस दिन आप प्लेस करेंगे तो एक से दो दिन के अंदर अंदर डिलीवर कर देते हैं अगले दिन उसको अगले दिन लाहौर कराची के लिए सिर्फ दो से तीन दिन लगते हैं अदरवाइज एक दिन में इंशाल्लाह डिलीवर हो जाता है और व्हाट्सएप से ऑर्डर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं वहाँ पे फेसबुक पे हमारा नंबर भी है और वहाँ आप डायरेक्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं उसके है। बाद ये ये छोटा क्रिप है ये बेसिकली थ्री इन वन है ये आ, ये थ्री इन वन है ये स्टडी टेबल बन जाता है ये बाय वेट ये टू सीटर सोफ़ा है यानी कि 120 किलो तक ये वज़न बर्दाश्त कर सकता है इसकी आप फ्रंट ग्रिल ग्रे जो कर दें तो ये आपके लिए सोफ़ा बन जाएगा इसके साथ व्हील्स हैं और ये सॉलिड वुड में है ये भी इसका ये दरमियान वाला यूनिट जो है ये यहाँ पे आके फिक्स होता है तो ये स्टडी टेबल बन जाता है ये भी चाइनीज़ है और बेस्ट क्वालिटी चाइनीज़ है इसकी आप ये फील और इसमें ये डिको हुआ हुआ बेसिकली और दूसरा ये असेंबल भी हो जाता है जी ये बड़ा इजी असेंबल है सिंगल एल ऑपरेटेड है ये सारे एक ही स्क्रूज लगे हुए ये एक एल होती है उसी से पूरा ऑपरेट होता है इसके लॉक्स हैं इसके व्हील्स में ये ईजीली लॉक हो जाता है अनलॉक हो जाता है तो ये बच्चे के लिए हिलता नहीं है फिर अपनी जगह पर और ये कितने उम्र के बच्चे के लिए है? ये इसका मतलब क्योंकि ये बाय वेट इसका ये 120 केजी के जी तक तो अडल्ट दो अडल्ट बैठ सकते हैं इसलिए इसमें वेट का कोई नहीं है लेकिन ऑब्वियसली साइज का थोड़ा सा है कि बच्चे के साइज़ के मुताबिक तो ये इसका जो है यहाँ से मदर असल में अटेंड करती है ये बेड के साथ अटैच होता है तो ये साइड इस साइड से मदर आराम से बच्चे को अटेंड कर सकती है तो ये इसका कट जो है ये इसलिए बनाया रहा है इन्होंने तो जी नहीं बिल्कुल नहीं ये भी नहीं उतरता इसको भी दिमक नहीं लगती कभी भी ये फूलेगा नहीं ये लकड़ी की बस खास बात यही है ये यूरोपियन वुड है इसकी खास बात ही है कि ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है ये वुड जो है तो इम्पोर्टेड मतलब है हाँ जी ये हंड्रेड परसेंट इम्पोर्टेड प्राइस ये जो है अठारह हजार की प्राइस ये ये मेड इन इंग्लैंड है और डिज्नी इसका मॉडल है ये अगर आप देखें तो बड़ा ह्यूज है इसका साइज और इसमें जो है ये इसकी फ्रंट ग्रिल रिमूव होती है ये इसकी कनोपी है यहाँ पे आप अपना एडिशनल कोई भी कलर का लगा सकते हैं ये तो फ़िलहाल इन्होंने सैंपल दिया हुआ है कपड़े का इसमें अपने कलर की बेडिंग वगैरह हो सकती है ये कनोपी टाइप इसको कहते हैं और ये इसकी बॉक्स है कनोपी का और इसका जो मेटर साइज डायमेंशन है वो 69 सेंटीमीटर का कंपार्टमेंट है ये भी थ्री हाइट एडजस्टमेंट में है इसका अभी सबसे ऊपर अपनी हाइट पे और है और एज के अकॉर्डिंगली ये बच्चा जैसे बड़ा होगा ये अपनी एज के अकॉर्डिंगली नीचे जाती जाएगी इसकी हाइट तो ये थ्री हाइट एडजस्टमेंट में आता है और ये भी बिल्कुल सॉलिड वुड में है वो डीको हुआ हुआ है ये ऑफ वाइट कलर का डीको इस पर किया हुआ है इन्होंने

बिल्कुल ये आइलीन के पेज पे आराम से आपको मिल जाएगा इसकी सारी डिटेल भी मिलेगी फेसबुक पेज पे हमने वीडियोस भी लगाई हुई हैं इसके ऊपर और असम्बली की वीडियोस भी हैं ये भी इजीली सिंगल एल की ऑपरेटेड है एक एल की से पूरा ये कॉर्ड जो है ना आप खोल जोड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे बिल्कुल आपको व्हाट्सएप पर आप जो नंबर मैंने मैंशन किया जीरो इसके ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं तो हम आपको पिक्चर्स भी भेज देंगे मजीद कुछ डिटेल आपने पूछनी हो तो प्रोडक्ट के वीडियोस भी भेज सकते हैं आपको उसी वक्त लाइव भेज देंगे है, ये तो जी। इसके अलावा जी ये, आ, ये मदर केयर का है ये भी मेड इन इंग्लैंड है प्योरली इंग्लैंड का कॉट है ये सॉलिड वुड में है ये ये नेचुरल वुड है इसको जो है ना मजीद उन्होंने पॉलिश किया हुआ बेसिकली और ये मैं आपको दिखाता हूँ ये भी ये बेसिकली 10 साल तक के बच्चे के लिए इस्तेमाल हो सकता है इसकी जो डायमेंशन है वो सेवनटी वन फोर्टी है ये सबसे बड़ा है कॉट और 10 साल तक का बच्चा इसको आराम से यूज कर सकता है एज अ बेड के तौर पे ये यूज होता है और ये भी दोनों साइड इसकी रिमूव करके आप इसको बेड बना सकते हैं या फिर कोई एक साइड रिमूव करके आप बेड के साथ अटैच कर सकते हैं इसको और इसकी जो वुड है वो है? ये भी ओ, ओक वुड है लेकिन ये नेचुरल वुड है इसके ऊपर कोई उन्होंने एक्स्ट्रा पेंट वगैरह नहीं किया हुआ ये सिर्फ इसको पॉलिश किया हुआ उन्होंने तो मजीद इसको जो है ना फाइन बनाया हुआ है इस वुड को इसका कलर आप देखें ना तो इसके अंदर वो जो वुड का जो है टेक्सचर आ रहा है डिफरेंट ये इसी वजह से क्योंकि ये प्योर नेचुरल वुड है ये और ये सॉलिड वुड है ये अंदर से हॉलो नहीं है ये फिल्ड है वुड ये भी इसी तरह ये थ्री हाइट एडजस्टमेंट में ये भी सबसे ऊपर है इसके अकॉर्डिंगली ये दो हाइट नीचे जाएगा बचे की क्योंकि जब आप बेड बनाएंगे तो उसको सबसे नीचे लगाएंगे तो उसके लो हाइट बेड जिसको कहते हैं ये, वो और ये, भी सिंगल एल की ये हाँ जी ये भी है ये चालीस गया अब इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद जी ये ये वाइड uh, मॉडल आता है जो फोर हाइट एडजस्टमेंट में आता है नॉर्मली कॉर्ड थ्री हाइट में होते हैं ये फोर हाइट में ये अभी दूसरे नंबर पे है इसके बाद दो हाइट नीचे जाएगा और एक हाइट ऊपर आता है तो ये इसमें एक एडिशनल है और uh, ये इसकी एक साइड जो है पूरी ये स्लाइडेबल uh, है ये पूरी ग्रिल जो है ये एक लॉक है इजी मैकेनिज्म है इसका आप अंदर पुश करेंगे तो ये इजीली नीचे चली जाएगी ये और ये बेड के साथ साइड अटैच होती है इसके बाद इसके अंदर मैट्रेस आ जाता है तो ये ऑलमोस्ट इसके हाइट के मुताबिक आ जाएगा और इसी तरह इसको आप पुल करेंगे तो ये आराम से क्लोज हो जाएगा दूसरी चीज़ इसके अंदर जो है ये व्हील्स इन्होंने दिए हुए हैं लॉक के साथ क्रॉस में इसके लॉक लगते हैं ये व्हील्स है इसका इसको आप लॉक और अनलॉक इजीली कर सकते हैं और ये जो सबसे इसका मेन फीचर है वो ये है कि ये कॉट स्विंग करता है रॉक करता है ये इसकी आप ये डिजाइन देखें तो ये नीचे से एक कर्व आया हुआ है जब आप व्हील्स मूव करते हैं तो ये पूरा कॉर्ड जो है ये रॉक करता है right. लेफ्ट राइट बिल्कुल ये अभी हमने अपने लगाए हुए हैं ताकि इसको आगे पीछे कर सकें अदरवाइज ये प्लग इन प्लग आउट व्हील्स हैं इसको इजिली आप प्लग आउट करें तो ये इनिशियली शुरू में न्यू बॉर्न के लिए शायद आपको व्हील ना जरूरत पड़े तो आप इसको आराम से रॉक कर सकते हैं ये बच्चा एक तरह से झूले के तौर पर पूरा कॉट ये स्विंग करता है दोनों साइड इसकी रिमूव करेंगे आप तो ये उसी तरह बेड बन जाएगा इसके साथ इसकी सेफ्टी ग्रिल है ये इसकी सेफ्टी ग्रिल है जो एक तरफ बेड के साथ आप अटैच करेंगे तो दूसरी तरफ सेफ़्टी के लिए आप किसी भी तरफ यहाँ पे इसको लगा सकते हैं ताकि बच्चे के लिए सेफ़ रहे तो ये इसकी ग्रिल है सेफ्टी इसी के साथ इसकी ये बुकलेट है बुकलेट इसके साथ आती है इसकी गाइड है पूरे इसके अंदर और इसको आप कैसे असेंबल ये भी सिंगल है एल की ऑपरेटेड है आराम से ये आप इसको खोल जोड़ सकते हैं पूरा ये खुल जाता है ये भी इम्पोर्टेड है ये भी है जी ये भी चाइनीज़ है ये लेकिन अगेन वही ये जो क्वालिटी से आपको पता लगेगा ये जो यूरोप के लिए वो डिज़ाइन करते हैं ओक वुड है ये भी इसको भी दीमक नहीं लगती लकड़ी इसकी फूलती नहीं है पानी से आप इसको साफ़ कर सकते हैं ईजीली तो इसकी, इसकी प्राइस है इसकी बत्तीस हज़ार पाँच सौ है थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसकी प्राइस है जीए, जीए। यह तो और इसके अलावा कौन सी, कौन सी हमारे पास हाई चेयर है चेंजिंग यूनिट है बच्चों की जितनी छोटी वरायटी है बाथर हो गए बाउंसर्स हो गए थ्री इन वन बाउंसर्स हमारे पास पड़े हुए हैं स्विंग्स पड़े हुए हैं, हैं हमारे पास रॉकर पड़े हुए हैं और बहुत सारी बेताशा वरायटी है जंपर पड़े हुए हैं हमारे पास ये इलेक्ट्रिक स्विंग पड़े हुए हैं तो अभी आ, आप क्या दिखा रहे हैं। अभी मैं इसके बाद आपको हाई चेस दिखाता हूँ हाई चेस की अलहमदिल्ला हमारे पास काफ़ी वराइटी है मैं आपको वो दिखाता हूँ इसके बाद जी ये हाई चेयर्स है आ, इसको आ, डाइनिंग चेयर्स कहते हैं यानी कि बच्चों की जो बेबी चेयर्स होती हैं डाइनिंग टेबल के लिए यूज होती हैं फीडिंग चेयर्स कहते हैं इसमें स्टार्ट होती है इससे ये शीनमा की है क्वालिटी uh, इनकी सबसे बेहतरीन है ये फिक्स्ड आती है इसकी ये ग्रिल जो है ये आप इसको ऊपर करके बेबी को बिठा के और उसके बाद ये ला सकते हैं ये फिक्स वैसे होती है ये इसकी ये ट्रे जो है ये वॉशेबल है ये रिमूवेबल है वॉशेबल है इसको आप इजीली वॉश कर सकते हैं उसके बाद जी ये इन्फेंटिस की आती है इसकी जो है ये ट्रे एडजस्टेबल होती है इसको आप इजीली इसकी ट्रे को अपने जहाँ भी आपने एडजस्ट करना है वो आप कर सकते हैं ठीक है उसके बाद ये आती है ग्रेको की ग्रेको की बड़ी मशहूर है ये टॉयज के साथ आती है इसकी भी ट्रे रिमूवल है ये आप इजीली इसको रिमूव कर, कर सकते हैं ये फाइबर फ्रेम में बनी हुई है और इसको आप यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये पूरी आप फोल्ड कर सकते हैं इसके साथ इसका नीचे फुटरेस्ट है ये भी एडजस्टेबल है ये दो हाइट एडजस्टेबल है ये भी सबसे नीचे जो है, का जो है जी ये पैराशूट स्टफ है वॉशेबल है ये इजीली आप इसको गीले कपड़े से साफ़ कर सकते हैं और नीचे इसका जो है ये मेटल फ्रेम है ये पूरा और साथ इसके प्लास्टिक इसको जो है सपोर्ट मिली हुई है ये इसका फाइबर है असल में ये प्लास्टिक फ्रेम में नहीं है ये फाइबर में है तो बेसिकली ये नॉन ब्रेकेबल फ़ाइबर है ये और ये इसके अकॉर्डिंगली इसकी ये दो एडजस्टमेंट हैं एक इस तरफ है एक इसी तरह, एक इस तरह आप इसको पीछे करेंगे तो ये इसकी एडजस्टमेंट आ जाएगी उसके बाद ये भी वही है इनफेंटीज़ ये दूसरे कलर में है ये ग्रीन कलर में ये ब्राउन कलर में है सेम वही है और उसके बाद जो सबसे बड़ी आती है हमारे पास और सबसे अच्छी है वो ये ये हैप्पी टाइम इसका नाम है चेयर का ये बेसिकली फोर हाइट एडजस्टमेंट में आती है अभी ये सबसे ऊपर है अकॉर्डिंगली ये आप इसको अपनी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं ये एक पे आ गया ये तीन तीसरे पे आ गया और और इसके बाद एक ऊपर आएगा ये ये दो और ये तीन ये तीन हाइट होगी इसी तरह इसकी ट्रे जो है ये भी रिमूवेबल है इसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये इसका ये ट्रांसपेरेंट फ्रेम है ये वॉशेबल है बेसिकली इसको उतार के आप इजीली वॉश कर सकते हैं और ये वापस इसी तरह ये अगर आप यहाँ देखें तो ये तीन इसके लगे हुए ये एडजस्टमेंट्स हैं ये एक होगी ये दो होगी ये तीन तो ये ट्रे की एडजस्टमेंट है बेसिकली बच्चे के अकॉर्डिंगली इसी की तरह ये ये दूसरी चीज़ के ये इसको आप वापस करें तो ये इजीली रिक्लाइन हो जाती है आप यहाँ से करेंगे तो ये, करें। तो ये बाकी इसी मॉडल में आता है होना। ये इसकी फुटरेस्ट uh, है ये uh, ये भी एडजस्टेबल है थ्री हाइट में जैसे आप देखें सबसे नीचे है इसके अकॉर्डिंगली ये ऊपर आता है और फिर यहाँ पे लेवल uh, पे आता है इसके साथ साथ इसमें व्हील्स है ये कवर्ड है व्हील्स ये एक दो दो व्हील्स में आते हैं लेकिन ये थ्री सिक्सटी व्हील्स हैं इसको इजीली आप किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं दूसरा इसकी फोल्डिंग बहुत इजी है आप इसको देखें तो ये इसको बंद आप बड़े आराम से यूं पुल करेंगे तो ये बंद हो जाएगी तो ये इजीली आप कैरी कर सकते हैं नीचे इसके बास्केट है ये सामान रखने के लिए बास्केट भी अवेलेबल है इसकी इसकी प्राइस ये चौदह की है